बहुजन समाज पार्टी ने अमरोहा नगर पालिका की सीट से फराह खान को जो है चुनावी मैदान में उतारा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, आज वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करने आई थी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगी? जी, मैं सबसे पहले बहन जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इसके लिए सिंबल चुनाव ये हमें दिया, इसके हमें वो समझा कि हम इस लायक हैं कि हम इनकी जिम्मेदारियाँ उठा पाएंगे। और मुद्दों की जहाँ तक बात है तो अमरोहा में जो भी जल वहाँ नगर पालिका के जो भी वो हैं काम है, वो सड़क का मुद्दा है, जल निकास सबसे बड़ी समस्या अमरोहा में जल निकास की है, उसको हम करेंगे। और इसके अलावा जो भी काम है हर काम हम करेंगे नगर पालिका के। बसपा के विधानसभा में पूर्व प्रत्याशी रहे नवेद अयाज, जान लेते हैं कि आप साथ आए हैं, किन मुद्दों को लेकर आप प्रचार प्रसार में उतरेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि पिछले 5 साल में नगर पालिका परिषद में सत्ता दल होने के बावजूद भी अमरोहा उदास है। जल निकासी ऐसी समस्या, डबल इंजन की सरकार ने भी हमें समाधान नहीं दिया है, और भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका चलाने में फेल हो गई है, और बहुजन समाज पार्टी परिसीमन के एतबार से नंबर 1 पार्टी है। हमारे पास दलित वोट बैंक भी अच्छा है और मुस्लिम वोट बैंक भी इस बार हमारे साथ आ रहा है, और तमाम लोग समाजवादी पार्टी से उदास हैं। हाल ही में एक घटना हुई जो अभी प्रदेश में चर्चा रखती है, अतीक अहमद जी को मंच से धक्का देने का सबसे पहला काम अखिलेश यादव जी ने किया था, इसको भी सब लोग देख रहे हैं। हम किसी का फेवर नहीं करते, हम इतना कहते हैं कि कानून का राज रहे, कानून अपना फैसला जो सुनाता चाहे फांसी देता, फांसी होती, लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी और भाजपा ने मिलकर अतीक अहमद के खिलाफ साजिश रचने का सिलसिला समाजवादी पार्टी सरकार के समय से शुरू कर दिया था। ओवैसी भी लगातार इस पर हमलावर हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? असदुद्दीन ओवैसी की जो बातें हैं इस मामले में, खैर उनकी पार्टी अपनी है, वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उस मामले में मेरा कोई विचार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने इकरार अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा है, आप अपने प्रत्याशी की टक्कर किससे मान रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी तो डमी कैंडिडेट है, साफ नज़र आता है कि उनका जो मुखिया है, जो खुद को समाजवादी पार्टी अमरोहा का मालिक बताते हैं, पिता पुत्र नामिनेशन तक में चल के नहीं आए हैं, वो खुद मानते हैं कि उनका प्रत्याशी डमी है। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने सत्ता दल के दबाव में आकर सत्ता दल से कोई फिक्सिंग करके प्रत्याशी उतारा है, और साफ जाहिर है कि अगर उनका मजबूत प्रत्याशी, जिताऊ प्रत्याशी होता तो इस टाइम वो ताव देते हुए अपनी मूछों को अपने प्रत्याशी के साथ नामांकन में खड़े हुए होते, वो मैदान छोड़कर भाग गए हैं, जो नामांकन में नहीं आए, इससे साफ जाहिर है कि वो मैदान छोड़कर भाग चुके हैं, उनका प्रत्याशी डमी है। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला है, वोटर अगर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना चाहते हैं, हराना चाहते हैं, तो वो बहुजन समाज पार्टी के साथ आएँ। फराह खान का हाथी निशान है, इनके जो शौहर हैं बसपा से नगर अध्यक्ष है फरहान खान, सबके सामने इनकी छवि है, दोनों प्रत्याशियों की छवि भी और इमेज भी कंपेयर करें। मुझे मालूम है कि डमी कैंडिडेट के रूप में समाजवादी का इस चुनाव में अब कुछ बाकी नहीं बचा। नवेद भाई, आपने बड़ा सवाल किया है कि समाजवादी के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ ना तो जिलाध्यक्ष आए हैं और ना नगर अध्यक्ष आए हैं, और जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं वो भी नहीं आए हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी ने ऐसा महसूस होता है, प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी से फिक्सिंग करके अपना कैंडिडेट डमी उतारा है और अपने कैंडिडेट को छोड़ के भाग गए हैं। नामांकन में संगठन के जिलाध्यक्ष का ना आना, मौजूदा विधायक का नहीं आना, पूरा MLC उनका बेटा उसका नहीं आना, ये साफ प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने कैंडिडेट को कमज़ोर माना है, डमी माना है, और हारते हुए के साथ कोई खड़ा नहीं होता, इसने समाजवादी कैंडिडेट के साथ नहीं खड़ी है। BSP के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। तो ये बात करने के लिए हमारे साथ थे बसपा के पूर्व प्रत्याशी नवेद अयाज, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पर भी बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा से ये पूरा जो है डमी कैंडिडेट भाजपा के तय होने पर उतारा है। अफसर अली, ABP गंगा, अमरोहा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।